Continue with chapter number 1, financial statements of our company. Today in this video we are going to discuss balance sheet. जैसे हमने plus 1 class में पढ़ा है कि जो balance sheet है वो हम horizontal के accordingly पढ़ते थे, but अब हम companies act 2013 को follow करेंगे, उसके accordingly vertical balance sheet बनाई जाती है. हॉरिजेंटल बैलेंस शीट का क्या मतलब है? जैसे हमने प्लस वन में पढ़ा, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, सो हम इस तरह उसको रिकॉर्ड करते थे तो वो हॉरिजेंटल थी. अब हमने क्या करना है, उसको वर्टिकली बनाना है. मतलब पहले लाइबिलिटी का पोर्शन डिस्कस होगा और उसके बाद एसेट वाला पोर्शन डिस्कस होगा. सो इट इज़ वर्टिकल, क्लियर है? दैट इज़ टू बी फॉलोड बाई एवरी कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. अब हॉरिजेंटल बैलेंस शीट नहीं एक्सेप्ट होती, एवरी कंपनी हैव टू प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट. क्लियर? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो बैलेंस शीट है वो पार्ट फर्स्ट ऑफ स्केड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है. क्लियर? बैलेंस शीट एज ऑन होती है कि ये हमें एक दिन की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो शो करती है. 31 मार्च जब भी हम उसको बना रहे हैं तो हमें उस दिन अपनी एसेट लाइबिलिटीज और कैपिटल के बारे में पता लगेगा. दिस इज द फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीस. पर्टिकुलर्स में पूरी डिटेल है. नोट नंबर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम यहाँ सिर्फ एक फाइनल अमाउंट लिखेंगे जो कैलकुलेट कर आई. क्लियर है? उसकी डिटेल वर्किंग नोट हम यहाँ अंदर नहीं दिखा सकते, उसके लिए हम सेपरेट वर्किंग नोट बनाएंगे जिसको हम नोट नंबर बोलते हैं. जैसे पहले आइटम के लिए मैंने कोई वर्किंग नोट बनाया तो यहाँ मैंने नंबर 1 लिख दिया, सेकंड के लिए बनाया तो यहाँ मैंने नंबर 2 लिख दिया. 1 और 2 का मतलब होगा कि इसकी रेफरेंस आपको नोट नंबर 1 में पता लग जाएगी और इसकी डिटेल आपको नोट नंबर 2 में पता लग जाएगी. क्लियर? देन इट इज़ द फाइनल अमाउंट. सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. एसेट साइड हम बाद में करेंगे, पहले सिर्फ लाइबिलिटी साइड सीखें. सो सबसे पहले है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. जैसे हमने प्लस वन में कैपिटल पढ़ा है, उसी कैपिटल को चेंज करके अब यहाँ इक्विटी बोल दिया गया. एंड लाइबिलिटीज मतलब उधार. बिजनेस में पैसा लाने के दो ही हमारे पास ढंग होते हैं, या तो मालिक पैसा ले आए या हम पैसा बाहर से उधार लेंगे. अगर तो मालिक पैसा लेकर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटी. और अगर हम पैसा बाहर से उधार ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे लाइबिलिटीज. क्लियर? सो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स मतलब ऑनर्स फंड, जो मालिक का है. सो दिस पॉइंट इज रिलेटेड विद इक्विटी. क्लियर? नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है. जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है उसको हमने कुछ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. व्हेन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. कि हमने कंपनी की टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया. क्लियर? कैपिटल के अंडर हमारे पास 3 हेडिंग्स आती हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड वर्ड बना है अथॉरिटी से, मतलब कंपनी को कितनी अथॉरिटी है कि वो अपनी कितनी मैक्सिमम कैपिटल बिजनेस में रख सकती है. प्लस वन में आपने पढ़ा होगा कि जब कंपनी कोई फॉर्म होती है तो हर एक कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं MOA. MOA में क्या है कि हर एक कंपनी बताती है कि इस कंपनी का नाम क्या है, इसका ऑफिस कहाँ होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने पैसों के साथ ये कंपनी बनी है, इस कंपनी का मेन काम क्या है. तो यहाँ हमने बता चुके हैं कि कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है. क्लियर? जैसे किसी कंपनी ने बोल दी कि हमारी टोटल कैपिटल होगी 10 करोड़ की, सो दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल. क्लियर? अब इस कैपिटल को कंपनी का मालिक भी लेकर आ सकता है, या टाइम टू टाइम थोड़ा पैसा मालिक लिया या थोड़ा पैसा जो है बाहर से पब्लिक से उधार भी ले सकते हैं. क्लियर?
सो ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, देन इट इज इशूड कैपिटल। अब मान लीजिए कि कंपनी में टोटल कैपिटल है 10 करोड़ की, इसमें से जब कंपनी स्टैब्लिश हुआ जो मालिक है वो 4 करोड़ उसने बिजनेस में लगा दिया, अभी भी कंपनी में 6 करोड़ पेंडिंग है जो कंपनी टाइम टू टाइम उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। सो कई बार पब्लिक से भी हम पैसा लेते हैं कि पब्लिक को बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो और बदले में हमें पैसे दे दो, तो वो कंपनी के मालिक बन सकते हैं। सो जो सा पैसा शेयर्स हम पब्लिक को ऑफर करते हैं दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल ऑफर टू पब्लिक। सिर्फ ऑफर किया गया है, जैसे अब कंपनी को 2 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई तो कंपनी ने बोला कि हम अपने 2 करोड़ के शेयर इशू कर रहे हैं, कोई भी पर्सन कोई भी पब्लिक जो इस शेयर को खरीदना चाहता है मतलब कंपनी में अपना इक्विटी बनाना चाहता है, शेयर होल्डर बनना चाहता है, तो वो कंपनी का जो है शेयर्स को खरीद ले। हम उनको ऑफर दे रहे हैं, जब कंपनी इसको ऑफर देती है दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। अब क्या पता हम 4 करोड़ देना चाहते तो वो पूरे के पूरे 4 करोड़ ले ले, कई बार कंपनी न्यू होती है लोगों का ट्रस्ट नहीं बना हुआ होता तो शायद वो ना भी अप्लाई करें। सो जितने पैसे जितने शेयर्स पब्लिक जो है हमारे लेने के लिए रेडी हो जाएगी तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर है? मैं दोबारा डिक्टेट कर रही हूँ, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब जो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। इस ऑथराइज्ड कैपिटल में से कुछ कैपिटल हम पब्लिक को ऑफर करते हैं टाइम टू टाइम, जो हम पब्लिक को ऑफर करेंगे वो बन जाएगी हमारी इशूड कैपिटल। अब जो हमने पब्लिक को ऑफर किया उसमें से पब्लिक जो खरीद लेगी जो लेने के लिए तैयार है तो वो क्या बन जाएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर है? ये तीनों आइटम्स हम डिस्कस करते हैं अंडर द शेयर कैपिटल। अभी इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में सिर्फ हमने पढ़ना है कि कौन सी आइटम को हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? देन मूविंग टू नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट आ रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स का क्या मतलब है? कि कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो जो प्रॉफिट है अपने शेयर होल्डर्स में सारा प्रॉफिट कई बार नहीं बांटती, कुछ प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी में संभाल के रख लेती है सो दैट कि कंपनी में वो पैसा टाइम टू टाइम हमें काम आता जाए। जो पैसा हम संभाल के रखते हैं जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं वो हमारे लिए क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है? अब इसमें कैसी कैसी आइटम्स आती हैं? रिजर्व्स में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हम पढ़ेंगे आगे पूरी डिटेल में कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है। जब किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा नाम बन जाता है तब वो अपने शेयर कई बार महंगे भी इशू करती है, क्योंकि उसको पता है कि लोगों को उसकी कंपनी के शेयर चाहिए, उस कंपनी के तो नाम ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो जब कंपनी अपने नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा महंगा जब इशू करेगी तो मतलब उसने क्या किया है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे इशू किया है। देन इट इज कैपिटल रिजर्व। जब कंपनी अपनी कोई फिक्स्ड एसेट को बेचती है और उसको बेचने में उसको कोई फायदा हो जाता है तो वो कहाँ चले जाता है? कैपिटल रिजर्व में। जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट, मशीनरी बेची बिल्डिंग बेची और उसमें बेचने में उसको बहुत फायदा हो गया तो दैट विल द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। देन इट इज जर्नल रिजर्व। ये फ्री रिजर्व है कि कुछ पैसा कंपनी वैसे ही अपने पास रखती है हमेशा कि कोई भी अचानक खर्चा करना पड़ जाए तो हम इस रिजर्व में से पैसे निकाल के वो खर्चा कर सकते हैं। देन इट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जिसको हम DRR और CRR भी बोलते हैं। अब जैसे कंपनी को पैसा चाहिए तो कई बार हम लोगों से उधार पे पैसा उठाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिबेंचर, डेट है वो कंपनी के लिए। अब जो लोगों से पैसा हमने उधार पे लिया तो कभी ना कभी तो उसको वापस करना पड़ेगा तो उसके लिए हम पैसा जोड़ के रख लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और जो कंपनी में शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स तो चलो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, प्रेफरेंस शेयर लाइफ टाइम के लिए नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स की भी एक लाइफ है 15 ईयर्स, उसके बाद उनको उनका पैसा वापस करना पड़ता है तो उनके लिए हम पैसे जोड़ के रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सिंपल, जिनके पीछे रिजर्व आ रहा है वो सारी आइटम रिजर्व्स में चली जाएंगी। और इसके साथ ही हेडिंग है एंड सरप्लस।
सरप्लस में सिर्फ दो ही आइटम आती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। जैसे प्लस वन में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा, जब उसमें नेट प्रॉफिट आता है सो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट पॉजिटिव, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। और अगर हमें आता है नेट लॉस तो वो हमारे लिए क्या है, नेगेटिव बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इट विल बी शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है, ये एक ही हेडिंग है, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट करके इसमें बता दिए। नेक्स्ट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। ये वाला पॉइंट हमारे सीबीएसई में नहीं है सो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। जनरली अगर पूछे कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स क्या है, तो इसका मतलब होता है कि जो कंपनी है जिनके पास शेयर वॉरेंट्स एक सर्टिफिकेट होता है, उसको आफ्टर सम टाइम अपने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेती है। तो इक्विटी शेयर तो शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, सो इसलिए इसको शेयर होल्डर्स फंड के अंडर रखा गया है। कि एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी पहले लोगों को इशू करती है, सस्ते रेट में इशू करती है, और बाद में जो है इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है, दैट इज कॉल्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। इसकी डिटेल हमारी नहीं है तो हम इसको आगे डिस्कस नहीं करेंगे। देन सेकेंड मेन हेडिंग इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हमारा वॉल्यूम टू है, उसमें हम शेयर कैपिटल वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे कि जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो लोगों को हम शेयर ऑफर करके पैसा लेते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब है कि लोगों से हमने थोड़ा पैसा रिसीव कर लिया बट अभी तक हमने उनको शेयर बांटे नहीं हैं। ठीक है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो नॉट इन द सिलेबस, इसकी डिटेल नहीं आएगी, बट इसका मतलब यही है कि जब लोगों से हम थोड़ा सा पैसा, डाउन पेमेंट जैसे हम समझ सकते हैं, थोड़ी सी हमने पैसे मांग लिए, लोगों का पैसा हमारे पास आ चुका है, बट अभी तक हमने उनको उनके शेयर नहीं दिए, लीगली इनको शेयर होल्डर अभी तक नहीं बनाया, उसको हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बट दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सीबीएसई, सो ये पॉइंट की डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर, सो मेन हेडिंग थी हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब था कि जो मालिक पैसा लेकर आ रहा है, सो इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें हमने थ्री सब पार्ट्स पढ़े, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स। क्लियर, अब हम जा रहे हैं सेकेंड हेडिंग की तरफ, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज, मतलब उधार। कई बार कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम शेयर इशू करके ही कंपनी में पैसा ला सकते हैं, कई बार हम लोगों से उधार पे भी पैसा मांग सकते हैं। क्लियर है, सो लाइबिलिटी पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास दो हेडिंग है, पहली हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरी हेडिंग है करंट लाइबिलिटीज। क्लियर, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, यहाँ हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ जब भी हमने लॉन्ग टर्म की बात करनी है मतलब हम नॉन करंट वर्ड यूज़ करेंगे, और जब भी हमने शॉर्ट टर्म की बात करनी है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है वो वाली लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट आफ्टर 12 मंथ्स होगी, मतलब एक साल के बाद जिसकी हम पेमेंट करेंगे उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, वो वाले उधार जिसकी पेमेंट आफ्टर 12 मंथ्स होगी। इसके अंडर हमारे पास चार हेडिंग है, द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज नॉन लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स, मतलब ये वो वाले उधार हैं, वो वाला पैसा हमने बोरो किया है जिसकी पेमेंट आफ्टर 12 मंथ्स होगी। अब इसमें क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं डिबेंचर्स। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि डिबेंचर्स का मतलब है कि कंपनी डेट लेती है, लोगों से कर्जा लेती है, बट वो कंपनी के मालिक नहीं बनते, उनको जो है आफ्टर स्पेसिफिक टाइम हम पैसा वापस कर लेंगे, बट डिबेंचर हमेशा एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए ही हम इशू करते हैं अगर हमें कुछ भी ना बोला जाए। देन इट इज़ बॉन्ड्स,
जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है वो लोगों को डिबेंचर नहीं, वो लोगों को बॉन्ड्स देती हैं। ठीक है, डिबेंचर कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, बट जो बॉन्ड्स होते हैं दैट विल बी इशूड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? टर्म लोन्स का मतलब होता है एक्सीडिंग 1 ईयर, वो वाले लोन्स जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद होनी है, मतलब पेमेंट विल बी मेड आफ्टर 12 मंथ्स। चाहे वो लोन हमने बैंक से लिया हो, चाहे हमने किसी और पार्टीज मतलब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी से भी लिया हो, बट पेमेंट जो है उसको 12 मंथ्स के बाद होगी, 1 ईयर के बाद होगी, तो उसको भी हम लॉन्ग टर्म बॉरविंग्स में रखते हैं। देन इट इज़ पब्लिक डिपॉजिट। कई बार सिंपली ही पब्लिक से पैसा उधार ले लिया जाता है और उनकी पेमेंट जो है आफ्टर 12 मंथ्स होती है, सो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बॉरिंग। अदर लोन्स इन एडवांस, इसके अलावा अगर कुछ आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन है कि इसको लॉन्ग टर्म बॉरिंग ही लेकर चलना है, तो उसको फिर हम लॉन्ग टर्म बॉरिंग ही लेकर चलेंगे। क्लियर? देन सेकेंड पॉइंट इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटीज। हर एक कंपनी को जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। एक होता है एस्टिमेटेड टैक्स, एक होता है एक्चुअल टैक्स। एस्टिमेटेड का क्या मतलब है कि हमने कितना एस्टिमेट लगाया था कि हमारा इस साल का टैक्स कितना बनेगा। मान लीजिए कि हमने एस्टिमेशन लगाया कि जो हमारा टैक्स है वो बनेगा 10 लाख रुपीज़ का। क्लियर? अब एक्चुअल में पूरे साल क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हमने कमाया, वो तो साल के एंड में पता लगता है, और साल के एंड में जब हमने कैलकुलेट किया अपनी एक्चुअल इनकम्स के अकॉर्डिंगली, तो हमारा टैक्स बन गया 11 लाख का। हमने एस्टिमेट तो किया था सिर्फ 10 लाख का और बन गया हमारा 11 लाख का, मतलब और हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स जमा कराना पड़ेगा, 1 लाख का। सो दिस इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, कि कई बार जो है हमारा एस्टिमेटेड टैक्स कम हो जाता है और हमारा एक्चुअल टैक्स ज़्यादा बनता है, तो जो बीच में डिफरेंस है वो हमें गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। क्लियर? देन थर्ड हेडिंग इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। वो वाली लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म बॉरविंग्स में नहीं आई, वो उसको हम कहाँ शो कर देंगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। सबसे पहले इसमें आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी सिर्फ तभी आएंगे जब उनकी लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा होगी, मतलब हम सिंपली उधार पे किसी से कुछ खरीदते हैं तो उसको जो कमिटमेंट हुई है पेमेंट की वो 12 मंथ्स के बाद होगी, तो अगर 12 मंथ के बाद होगी तो वो क्या बन जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कई बार जब हम पब्लिक से पैसा उधार लेते हैं तो सस्ते ही ले लेते हैं, बट जब उनको वापसी करनी है तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। क्लियर है? सो कई बार उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अभी आप सिर्फ नाम देख लीजिए, क्योंकि जब हम डिबेंचर्स वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे हमने डिबेंचर्स को प्रीमियम दिया महंगा पेमेंट की, ऐसे कई बार प्रेफरेंस शेयर को भी हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ सकती है, प्रीमियम के ऊपर हम उसको पैसे देने पड़ सकते हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। देन लास्ट हेडिंग अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटी इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स। प्रोविजन्स का हमें सबको मतलब पता है कि प्रोविजन, अगर हमें पता है कि फ्यूचर में हमने कोई अपनी लाइबिलिटी को सेटल करना है तो पैसे तो अरेंज करने पड़ेंगे, तो वो पैसे हम जोड़ के रखते हैं ताकि हम अपनी फ्यूचर की लाइबिलिटी की पेमेंट कर सकें। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता होती, बट हम पैसा जोड़ के रख सकते हैं एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो इसमें एग्जाम्पल्स हैं, प्रोविजन मेड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट पेबल टू एम्प्लॉई आफ्टर 12 मंथ। अगर कोई आपका एम्प्लॉई है वो रिटायर हो रहा है 12 मंथ्स के बाद, तो उसको जो है जाते टाइम हम कुछ पैसे दे सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट थोड़ा पता होगा उस एम्प्लॉय का कितना पैसा बन रहा है, वो तो लास्ट में ही जाके पता लगेगा, बट स्टिल हमें पता है कि जी अगर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट होगी तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, और रिटायरमेंट हर साल नहीं होती, किसी ना किसी एक ही साल होगी जब पर्सन ने ज्वाइन किया तो 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल के बाद रिटायर हो रहा है, तो उस टाइम जो है हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको
करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंडर। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ग्रेचुटी होता है कि जब पर्सन रिटायर होता है तो उसको एक लमसम अमाउंट जो है फर्म की तरफ से पे की जाती है। जब वो काम कर रहा था, कंपनी का एम्प्लॉय था, तो उसकी सैलरी में से कुछ पैसा हर साल डिडक्ट होता रहा, ठीक है। उसी पैसे को जाते टाइम जब वो रिटायर हुआ तो उसको दिया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। सेम रिटायरमेंट तो एक ही बार होगी, तो ये लॉन्ग टर्म बन जाती है। प्रोविजन फॉर अर्नड लीव्स, हर इंस्टीट्यूशन में हॉलीडेज का एक पैटर्न होता है कि कितनी छुट्टियां आपको साल में मिल सकती हैं। अगर तो आप वो सारी छुट्टियां ले लेते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं लेते तो उन जो छुट्टियां आपकी बाकी हैं, जो हॉलीडेज आपकी बच गई, उसके अगेंस्ट आपको जो है पैसे दिए जाते हैं। अब तो ये साल के एंड में पता लगेगा कि कोई एम्प्लॉय कितनी छुट्टियां लेता है, कितनी उसकी पेंडिंग बच गई जिसके अगेंस्ट उसको पैसे देने पड़ेंगे। सो कंपनी अपने एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली प्रोविजन बना लेती है कि जब भी इसको पेमेंट करेंगे आफ्टर 12 मंथ्स तो हमारे पास थोड़े पैसे जुड़े हों। क्लियर है? सो ये चार पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले इसमें डिस्कस किया लॉन्ग टर्म बॉरविंग्स, देन डेफर टैक्स लाइबिलिटी, देन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स। क्लियर? अब लास्ट हेडिंग है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है वो वाली लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट हमने विद इन वन ईयर कर देनी है, मतलब विद इन 12 मंथ ही जिसकी पेमेंट हो जाएगी। क्लियर है? इसके अंडर भी चार पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं करंट लाइबिलिटीज विद इन 12 मंथ्स, वो वाले उधार जिनकी पेमेंट 12 मंथ्स के विद इन ही हो जाएगी, इसके बीच बीच में ही हो जाएगी, तो वो क्या बन जाती है? करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले इसमें आता है शॉर्ट टर्म बॉरिंग, छोटे मोटे उधार, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, जैसे बैंक से एक दूसरे से हेल्प ले लेती हैं और जब उनको पैसा चाहिए तो वो अपना पैसा वापस भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो कई बार वो एक महीने के बाद, कई बार दो महीने के बाद, विद इन वो 3-5 मंथ में रीपेमेंट हो जाती है, सो इट विल बिकम शॉर्ट टर्म बॉरिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता है तो कई बार वो बैंक से ज़्यादा पैसे विड्रॉ करा लेता है, कैश क्रेडिट ले लेता है, तो विद इन फ्यू डेज उसको जो वो पैसा है वापस करना पड़ सकता है। तो विद इन वन ईयर ही इसका मैक्सिमम टाइम है कि आपको वो रीपेमेंट करनी पड़ेगी, सो वो भी करंट लाइबिलिटीज में आ गए। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेबल विद इन 12 मंथ, अगर आपने किसी और पार्टी से लोन लिया है और जिसको आपने विद इन 12 मंथ ही पेमेंट करनी है, तो वो भी करंट लाइबिलिटी के अंडर, मतलब शॉर्ट टर्म बॉरविंग्स में ही शो करेंगे। अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाई, अगर ये तीन आइटम को छोड़ के किसी और लोन एंड एडवांस के बारे में बात हुआ है और उसके सामने लिख दिया गया है कि इसका नेचर शॉर्ट टर्म है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म बॉरविंग में शो कर दें। सेकेंड पॉइंट इज ट्रेड पेबल्स, मतलब जब हम ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं तो हमने कोई पेमेंट करनी है, वेदर हमने पेमेंट करनी है अपने क्रेडिटर्स को या हमने कोई बिल साइन किया और हमने प्रॉमिस किया है कि हाँ हम आफ्टर सम टाइम जो है वो पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई हमें ज़्यादा टाइम का उधार नहीं दे रहा, 5-5, 6-6 साल का टाइम नहीं दे रहा, आपको विद इन 12 मंथ ही पेमेंट करनी पड़ेगी। सो दीज टू पॉइंट्स आर टू बी कवर्ड अंडर ट्रेड पेबल। देन थर्ड इज अदर करंट लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बॉरविंग्स में नहीं कवर हुई अब वो अदर करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगी। इसमें कैसे एग्जांपल्स हैं? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कोई डेट है जिसकी पेमेंट आपने इसी साल करनी है, सो इसी साल करनी है, उसका टाइम पूरा हो चुका है, तो वो आ जाएगी अदर करंट लाइबिलिटीज में। इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू ऑन बॉरविंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बॉरविंग्स, आपने कोई उधार लिया है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है, चाहे वो इंटरेस्ट पेंडिंग हुआ चाहे वो इंटरेस्ट पेंडिंग नहीं हुआ, बट इंटरेस्ट की पेमेंट हम हर साल करते हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट की पेमेंट हर साल होगी, इसलिए वो करंट लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिलिटीज में हम कवर करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको हम अर्न अर्नड इनकम बोलते हैं, कि कोई अगर हमें टाइम से पहले ही पेमेंट दिया जाता है तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में हम काम नहीं कर पाए तो वो पैसा हमें रिटर्न करना पड़ सकता है। अनपेड डिविडेंड, जैसे कंपनी है प्रॉफिट अर्न करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अनाउंस करती है,
अब हमारे शेयर होल्डर्स अलग अलग जगह के होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, सो कई बार वो डिविडेंड नहीं ले पाते. सो जो डिविडेंड पेंडिंग है, हर एक कंपनी को 1 साल का वेट करना पड़ता है कि जब उसने डिविडेंड अनाउंस किया तो 1 साल के अंदर अंदर उसके शेयर होल्डर्स को ले जाए. सो इट इज़ अनपेड डिविडेंड आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं हुआ, अभी आपका शेयर होल्डर्स का है. आपको पूरे 1 साल वेट करनी पड़ेगी कि वो लेकर जाते हैं कि नहीं लेकर जाते. अदर पेबल्स, इन 5 पॉइंट को छोड़ के अगर कोई और पॉइंट है जो स्पेसिफिक नेचर का बताया गया है तो हम इसको भी यहाँ शो कर देंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन. अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाई होती है. इसमें एग्जांपल्स है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस. हर साल हमें खर्चे करने पड़ते हैं तो हम एक फंड क्रिएट कर लेते हैं कि उसी में से पैसा निकाल निकाल के हम खर्चा कर लेंगे. प्रोविजन फॉर टैक्स, हर साल कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है तो उसके लिए भी हम पैसा जोड़ के रख लेते हैं. ठीक है ना, एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा बट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली हम रख लेते हैं. प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, अगर कंपनी हर साल अपने एम्प्लॉयज़ को कोई ना कोई बेनिफिट देती है, कोई ना कोई बोनस वगैरह देती है, तो उसके लिए भी हमें पैसे जोड़ के रखने पड़ते हैं. अदर प्रोविजन, अगर इन 3 प्रोविजन को छोड़ के कोई और प्रोविजन बताई गई है तो वो भी हम यहाँ नोट कर देंगे. क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जो हमने आज डिस्कस की. सो लाइबिलिटी साइड में बेसिकली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली 3 मेन हेडिंग्स हैं: शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज. शेयर होल्डर्स फंड में हमने 2 पॉइंट कवर करने हैं: शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. देन नॉन करंट लाइबिलिटी में हमने डिस्कस करना है लॉन्ग टर्म बॉरविंग, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन. सिमिलरली यहाँ है लॉन्ग टर्म बॉरविंग तो यहाँ आ गया शॉर्ट टर्म बॉरविंग, यहाँ है डेफर टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ गया ट्रेड पेबल. देन इट इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यहाँ गया अदर करंट लाइबिलिटी, यहाँ है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन. और लास्ट में हम टोटल कर देंगे तो हमारी जो लाइबिलिटी साइड है वो कंप्लीट हो जाएगी. क्लियर? ये जो फॉर्मेट है ये आपको सीक्वेंस में ही लर्न करना पड़ेगा, इसको हम शफल नहीं कर सकते. जैसी मेन हेडिंग है और सब सब हेडिंग्स है, यू हैव टू लर्न इट अकॉर्डिंगली. होप इट इज़ क्लियर टू यू.